हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्वेरियम टेक चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे कि हम पाउंड में कैसे कोई फ़िश को ऐड करते हैं। ये हमारा क्लाइंट का पाउंड है और इसमें हम कोई फ़िश को ऐड करने जा रहे हैं। पाउंड को बहुत अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन बनाया गया है। पाउंड का लुक काफ़ी अच्छा है जो हर आने वाले को, देखने वाले को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। पाउंड की टोटल लेंथ 12 फीट है और पाउंड की जो विड्थ है वो 4 फीट है और हाइट जो है पाउंड की वो 1 फीट है। सबसे पहले पाउंड में वाटर फिल करना शुरू किया। स्लोली स्लोली वाटर जो है वो पाउंड में फिल होने शुरू हो गया। वाटर की क्लैरिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि पाउंड जो है वो हमेशा साफ़ सुथरा नज़र आए। फिश ऐड करने के बाद भी जो है पाउंड की सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। उसकी फिल्ट्रेशन, वाटर चेंजिंग्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाउंड में सबसे ख़ास बात यह है कि पाउंड जो है डायरेक्ट सनलाइट के नीचे नहीं है। इस वजह से एलजी के जो इशू हैं वो पाउंड में बहुत कम आएंगे। सबसे पहले फ़िश को हम कुछ टाइम के लिए एक्यूमुलेट कर लेंगे, हमारी फ़िश जो है वो स्ट्रेस आउट ना हो। फ़िश ऐड करने से पहले हमने एक्वा गार्ड यूज़ किया जो कि बहुत अच्छा वाटर कंडीशनर है। साथ में हमने एक्वा गार्ड के बाद जो है बैक्टीरियास को ऐड किया जो कि बहुत ज़रूरी है फ़िश की हेल्थ के लिए, बेनिफिशियल बैक्टीरियास, जिसकी मदद से हमारा टैंक बहुत जल्दी साइकिल और मैच्योर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, वाटर कंडीशनर ऐड करने के बाद, बैक्टीरिया ऐड करने के बाद जो है हम अपने जो लाइव स्टॉक को है उसको पाउंड में रिलीज़ करना शुरू करेंगे। सबसे पहले जो है हम स्मॉल साइज़ को इसको रिलीज़ करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी लार्ज साइज़ को इसको पाउंड में रिलीज़ करेंगे। सबसे पहले हम प्लास्टिक बैग को ओपन कर लेंगे और कोइस को बहुत ही जेंटली पाउंड में रिलीज़ कर देंगे। फ़िश को हमने रिलीज़ कर दिया है तो चलें आए आपको हम अपना फाइनल प्रोडक्ट दिखाते हैं। Thank you.